रूप में एक खाली सत्ता तक कैसे पहुंचे, खाली राज्य के चुनाव में कैसे वो आगे बढ़े, केवल इस प्रकार का एक वातावरण बनाने का असफल प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सभी नेताओं को कि आज उनको प्रदेश की जनता के सामने जो मैंने सवाल किया इनका जवाब जरूर रखना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था। जवाब नहीं था कोई बात नहीं, आज अगर वो प्रदेश की जनता से खाली माफी मांग लेते कि हमने जो सेना के लिए कुछ नहीं किया, हमने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि ये भी राज्य की जनता के लिए बहुत बड़ा था कि कम से कम एक बड़े राजनीतिक दल ने 5 साल कुछ नहीं किया, ना विकास की दृष्टि से, ना इतने दिन सत्ता में रहने के लिए सेना के लिए। तो अगर वो माफी भी मांग लेते तो मैं समझता हूँ कि यही एक बहुत बड़ा काम होता, लगता कि हाँ उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की रैली से उनकी रैली में आधी भी भीड़ नहीं, केवल मंच से कह देना, मंच से बोल देना ये नहीं है, अपितु उस मैदान को उन्होंने टेंट लगाकर आधा किया, कुर्सी आधी डाली और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने का सफल प्रयास किया। लेकिन प्रदेश की जनता भी जानती है और आप सब लोग भी भलीभांति जानते हैं, जो जनता थी ऐतिहासिक रैली थी, अपार भीड़ थी, नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा का भाव यहाँ की जनता का है, नरेंद्र मोदी जी को सुनने आए थे और हमारी रैली में जितनी अपार भीड़ थी, शायद कांग्रेस अगर उसे एक्चुअल देखती तो उसको पता चलता। मैं ये नहीं कहता कि वो मुजफ्फरनगर मेरठ कहाँ से लाए, मुझे इससे लेना कहीं से भी लाए हों, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता से माफी मांग कर ये जो मैंने सवाल किया इनका जवाब देना चाहिए। सुनील जी, तो छोड़िए, उन्होंने इस चीज की चिंता और जिक्र तक नहीं किया। तो मित्रों, आज कांग्रेस की रैली के संबंध में मैंने ये 5-7 बिंदु रखे हैं, जिन पर मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि कांग्रेस को आज नहीं, आने वाले समय में जब भी उनका कोई नेता आएगा तो इसका जवाब उन्हें प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। इसे बुला के भी नहीं दिखा पाए, वो यूपी से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, वहां से बुलाने के बाद भी नहीं दिखा पाए, तब भी स्थिति यही रही। एक चीज ये थी सर, जो आपकी रैली थी क्या, और जनता किसी के मातहत नहीं है, हम क्यों लगाएंगे साहब, ये तो जनता, आप देखिए सोशल मीडिया उठाकर क्या स्थिति है, आप देखिए। अच्छा, कोई हमने तो उनको कहा नहीं आप ऐसा शब्द बोलिए, कुंडा करिए, हमारे कैसे तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर उन्होंने बोला तो माफी मांग लेते, क्या दिक्कत थी। एक बार कहते कि आज तक हमारे नेताओं ने जो किया उसके लिए माफी मांगते हैं, तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की देवभूमि के लोग वो बड़े मन के लोग हैं, शायद हो सकता है उनको माफ कर देते। उन्हीं के नेता ने कहा कि इस पर पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्या कांग्रेस ने जवाब मांगा? और मित्रों, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जहां पूरी दुनिया भारत के शौर्य की गाथा गा रही थी, जहां पूरे देश के अंदर चारों तरफ देश के अंदर एक शौर्य का प्रदर्शन हो रहा था, भारतीय सेना के शौर्य को लोग सलाम कर रहे थे, भारतीय सेना के शौर्य को लोग जयजयकार कर रहे थे, भाई कांग्रेस के नेता सबूत मांगने की बात कर रहे थे, क्या कांग्रेस इसका जवाब देश की जनता को देगी? मित्रों, कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कश्मीर के लोगों को एक तरफ आतंकवादी मानते हैं, दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवान मानते हैं, क्या कांग्रेस ने उससे जवाब तलब किया? क्या कांग्रेस को पूछना नहीं चाहिए था? आज भारत के उन वीर सैनिकों को जो देश की अखंडता के लिए घर परिवार छोड़कर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, और आज इस प्रकार उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना, बुरहान वानी पर जिस प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने वक्तव्य दिया, कांग्रेस ने उस पर कभी आज तक स्पष्टीकरण देने की बात नहीं की। आज कांग्रेस के नेता जहां एक तरफ सेना को लेकर और इस प्रकार का वक्तित्व दे रहे हैं, वहीं पिछले इतने दिन सत्ता में रहने के बाद ना सेना के लिए, ना सेना के वन रैंक वन पेंशन के लिए, और ना ही उन्होंने जितने विषय बने रखे किसी का भी जवाब उन्होंने प्रत्यक्ष आकर कांग्रेस के नेताओं ने आज तक नहीं दिया। मित्रों, आज कांग्रेस के नेता यहाँ आए, हमारे नेता भी है, हमारे नेता ने काम 5 साल सत्ता में रहे हैं, यहाँ 5 साल में भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार ने 1 लाख करोड़ के काम
इस राज्य के विकास में दिए हैं। क्या कांग्रेस भी श्वेत पत्र रखेगी? वो भी सत्ता में रही, 5 साल सरकार में रही और उसके बाद डबल इंजन उनका भी था, डबल इंजन का उन्होंने बताना चाहिए कि राज्य के विकास में उन्होंने क्या दिया है। धन हुआ, सारा देश शोक में डूबा हुआ था और डूबा हुआ नहीं था, अभी तो दुनिया के सारे ऐसे देश भी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे, लेकिन वही कांग्रेस के इसी पार्टी की सेकंड नंबर की नेता वो नृत्य कर रही थी जिस प्रकार से एक रैली में। क्या ये कांग्रेस इसका जवाब देगी? मित्रों, 11 जून 2017 को कांग्रेस के एक बड़े नेता ने जब सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा, क्या कांग्रेस ने इस पर उनसे जवाब तलब किया? क्या कांग्रेस जवाब दे पाएगी? आज कांग्रेस सीडीएस रावत के साथ जिस प्रकार का एक बातचीत कर रही है, लेकिन 11 जून 2017 का वह दिन कांग्रेस कैसे भूलेगी? उसको याद होना चाहिए कि किस प्रकार उसके एक बड़े नेता ने और किस प्रकार से एक व्यवहार किया। प्रधानमंत्री का बिजी कार्यक्रम होने के कारण थोड़ा उसको उन्होंने 2-4 दिन आगे करने की बात आई है। दिसंबर तक आखिरी इस महीने के आखिरी तारीख तक संभवतः समय मिल जाएगा। अभी हल्द्वानी हमने सोचा है, 1971 के युद्ध के सैनिकों को और 1971 के युद्ध से जोड़कर इस प्रकार एक सैनिक सम्मान के तौर पर आज कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है। मैं कांग्रेस के मित्रों से 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। एक उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जिन्होंने सब चीज उन्होंने शुरू की, बाकी तो सब लोग कर ही नहीं पाए। ठीक।